लास्ट लेक्चर जो हमने किया था और वो था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमने ये भी देखा था जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड यूज किया जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता है ई सेल का, और हाइड्रोजन उसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम एनोड के जैसे यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है जिसमें पीएच का यूटिलाइजेशन आ गया था। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर होगा, मैंने बोला था कि क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज करेंगे इलेक्ट्रोड कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट PTH2 ऑब्लिक CH3COOH एक्वस, ठीक है। यहाँ का प्रेशर है 10 atm एंड उसने Ka की वैल्यू दी हुई 10^-5, कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर, ठीक है। और एनोड हाफ सेल के जैसे यूज, ऑब्वियस बात है प्लैटिनम हाइड्रोजन पीटी सॉलिड पहले आ रहा है, इसका मतलब ये किसके जैसे होगा, एनोड हाफ सेल के जैसे होगा, किसके जैसे होगा, एनोड हाफ सेल के जैसे। तो मुझे पता है तो पहले आपका फॉर्मूला क्या रहता है, ई सेल बराबर होता है 0.059 पीएच ऑफ एनोड, ये होता है। तो पीएच ऑफ एनोड कैलकुलेट कर, अच्छा पहली बात तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते, क्यों, इसका लॉजिक ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर वाला भी टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग फॉर्मूला मुझे पता है क्योंकि एनोड हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, H2 किसमें कन्वर्ट होगा, 2H++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई सेल होगा, ई सेल बराबर एनोड सेल 0 -0.059/2 लॉग ऑफ H+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, पीएच वाला फॉर्मूला तब यूज होता था जब प्रेशर मेरा 1 atm था, प्रेशर मेरा 1 atm नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब अभी मैंने गलती की डायरेक्ट देखा के, तो डायरेक्ट मैं पीएच वाला निकालूंगा, तो वो फॉर्मूला आंसर वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, लेकिन वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिलहाल H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले Ka/C का नहीं लेते, Ka/C 10^-5/0.1, तो दैट्स ऑब्वियस बात है, तो ये कितना हो जाएगा 10^-4, तो ऑब्वियस बात है H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा √Ka/C, √Ka/C मतलब कितना हो जाएगा 10^-5 × 10^-1, तो दैट इज 10^-3, ठीक है। तब ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर होगा -0.059/2 इनटू लॉग ऑफ 10^-3 का होल स्क्वायर अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा 10^-5 आएगा, कितना आएगा 10^-5। तो ऑब्वियस बात है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, नहीं 10^-5 नहीं होगा, 10^-7 आ जाएगा, सॉरी, तो -0.059 × 7 लिख सकता हूं, तो इसको 0.059 इसको क्या लिख सकता हूं 0.03 × 7, तो ये ऑब्वियस वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 0.21 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.021 वोल्ट। और ऑब्वियस बात है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -7 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा 0.21 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम करते हैं इसी के ऊपर, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, H2SO4 है, ठीक है, उसके बाद है प्लैटिनम H2 दिया हुआ, अब इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.05 मोलर। अब ये बताओ एनोड हाफ सेल है कैथोड हाफ सेल, ऑब्वियस बात है कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल में सॉलिड मटेरियल हमेशा राइट हैंड साइड में आता है, तो इसको हम किससे जैसे यूज करेंगे, कैथोड हाफ सेल प्रेशर कुछ नहीं देता 1 atm, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे क्या 0.059 माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये यूज करेंगे पीएच ऑफ कैथोड। अब पीएच कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 × 0.005, तो दैट्स समथिंग अबाउट 0.1, तो 0.1, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पीएच बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो रिडक्शन पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा ई, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा 0.059 × pH 1, तो दैट्स समथिंग अबाउट 0.059 माइनस ऑफ 0.059 क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। आई बस समझ में, दैट्स समथिंग अबाउट ERP कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ये, इज दैट क्लियर।
यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है? अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, जिंक सॉलिड, ठीक है, जिंक सॉलिड है एक्वस ZnSO4 एक्वस है, ठीक है, ZnSO4 एक्वस है, जिसका 2 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ अल्फा 50% दिया हुआ, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ CH3COOH के दिया हुआ 10^-5 और कंसंट्रेशन अगेन दिया हुआ 0.1 मोलर ऑफ हाइड्रोजन PtH2, ये कितना दिया हुआ 10 atm दिया हुआ, ठीक है, ये आपको सेल दिया हुआ, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले बात समझो, अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए, ठीक है, ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मेटल मेटलिक आयन वाला इलेक्ट्रोड है, और ये गैस आयन वाला इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, गैस आयन वाला इलेक्ट्रोड। आपको अगेन इसका क्या यूज करना है, ई सेल ही निकालनी है, कैलकुलेट क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 जो आपको दिया हुआ वो 0.76 वोल्ट दिया हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। देखो ऐसा नहीं है कि मेटल मेटल आयन वाले को मैं गैस आयन के साथ नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं कि गैस आयन वाले को मेटल इनसॉल्युबल एनायन के साथ नहीं जोड़, आप किसी भी इलेक्ट्रोड को किसी के साथ जोड़ सकते हो, तो एक सेल कंस्ट्रक्ट होगा, बस फर्क इतना होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा हो वो हमेशा एनोड के रूप में होना चाहिए और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो हमेशा कैथोड वाले रूप में होना चाहिए, बस फंडा ये, तो बाकी आप किसी जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैंने बताया था आप किसी भी इलेक्ट्रोड को किसी के साथ जोड़ सकते हो, कोई उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट इज दैट यहाँ पे ये है कि ये इस तरीके से अगर मान लो कहानी बनती है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले काम करो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन लिख लेता हूँ, तो Zn से कहाँ जाएगा, Zn प्लस 2, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, और कैथोड रिडक्शन में क्या होगा कि ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाएगा, H2 गैस में जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस टेंस टू गिव Zn प्लस 2 प्लस H2 गैस। इसका मतलब ये होगा E सेल जो होगा वो किसके बराबर होगा, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2, ठीक है, लॉग ऑफ ऊपर में क्या होगा प्रेशर ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2, नीचे में सिर्फ H प्लस का होल स्क्वायर। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिखने के लिए ही रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो इनोड सेल यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है इनोड सेल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो इनोड सेल मेरा 0.76 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब H प्लस का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी निकाला था, तो 10^-3 होगा, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 0.76 - 0.03 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 10 दिया हुआ है, Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन कितना है 2 मोलर, ये 2 मोलर ZnSO4 का कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो Zn प्लस 2 का भी कंसंट्रेशन 2 मोलर होगा, लेकिन वो तब होता था जब अल्फा 100% है, लेकिन अब कितना होगा अल्फा 50% दिया, मतलब 1 मोलर होगा, ठीक है। तो यहां पे 1 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर मतलब 10^-3 का स्क्वायर, तो दैट समथिंग अबाउट 0.76 - 0.03 log of 10^-6 - 6 ऊपर चला जाएगा तो 10^8, ठीक है, 0.76 - 0.03 इनटू 8 log 10 के वैल्यू मतलब 0.76 - 0.24 तो 0.52 वोल्ट, 0.52 वोल्ट आपका आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो ये आपके ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 10^-6 अच्छा -6 है ना, -7 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ गलती कर दी, 10^-7 यहाँ पे 1 तो ये कितना आएगा 0.55 वोल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन लगे ना तो एक मिनट के लिए सेल रिएक्शन लिख लो। आपको देखो ये रेशियो में प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट क्या है ये समझना अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है, अगर आप उल्टा कर देते तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है माइनस में, तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है कि रिएक्शन फॉर अ सेफर साइड, अगर आपको क्वेश्चन सही से बनाना है तो एक बार रिएक्शन लिख लो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट जान लो, इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट आवर है, अब SHE हालांकि हम पढ़ रहे हैं तो अब SHE का यूज भी आपको पता होना चाहिए,
आखिर SHE का यूज क्या होता है, तो आपको मैंने पहले बताया था SHE का यूज सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल का उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके। ठीक है, हमारे सिलेबस में हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है हर, लेकिन कैसे यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड। आखिर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे बाय SHE। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकालना नामुमकिन होता है। तो जब भी आप निकालते हो तो क्या निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हो। तो दूसरे वाले को अगर मैं जीरो कर दूं, मान लो अगर मैंने कैसा इलेक्ट्रोड लिया कि मान लो आपने एनोड में कुछ लिया, कैथोड में कुछ लिया, बट एनोड में आप वो ले रहे हो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, तो जो भी आपको वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, मतलब जीरो माइनस समथिंग दिस। तो जो भी एग्जैक्ट जो वैल्यू देगा वोल्ट मीटर का, जो भी पोटेंशियल होगा वो किसके पोटेंशियल के बराबर होगा, उस मेटल के जिसका आपको निकालना है, क्योंकि रेफरेंस में तो आपने ऑलरेडी SHE को क्या मान के रखा, जीरो। अगेन मैं बोल रहा हूँ हम मानते हैं, बट ऐसा नहीं कि उस पर जीरो होता है, बट ऐसा हम मान के चलते हैं ताकि हम दूसरे वाले के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। तो बस मैं यही मेथड आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आखिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SFE बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अकर, नो नेट मोमेंट ऑफ चार्जेस अकर्स, नो नेट मोमेंट ऑफ चार्जेस अकर्स, सो वी कैन डिटरमाइन ओनली, सो वी कैन डिटरमाइन ओनली, सो वी कैन डिटरमाइन ओनली रिलेटिव वैल्यू ऑफ SFE, रिलेटिव वैल्यू ऑफ SFE, रिलेटिव वैल्यू ऑफ SFE विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉड, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉड एंड विच इज SHE assumed by IUPAC। ठीक है, मान लो इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने वही बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SFE बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मान लो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो नो नेट चार्जेस का मोमेंट नहीं होगा, जब चार्जेस का मोमेंट नहीं होता पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, इसलिए तो डिटरमाइन द तो सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रिलेटिव वैल्यू SFE के निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम उसके रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू किसी का आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE जिसको ऑलरेडी हमने क्या माना हुआ, जीरो माना हुआ। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको कॉपर का निकालना है, क्या करना है आपको कॉपर का निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक SHE जोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, कॉपर सॉलिड को CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो कंडीशन भी मुझे क्या रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी। तो कंडीशन C2+ का कंडीशन क्या रखा मैंने, 1 मोलर रखा। ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो, प्रेशर ऑफ H2 गैस,
यहाँ एच टू गैस डाल रहे हो 1 atm के तौर पे, और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डबा रखे हो जो एच प्लस का ही सॉल्यूशन, जिसे कंडीशन 1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जनरली देखो समझो बात को, तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हो भाई, प्लेटिनम एच टू गैस, ठीक है, प्रेशर 1 atm दिया हुआ, ठीक है, एच प्लस, ठीक है, जिसका 1 मोलर दिया हुआ, सॉल्ट ब्रिज है, CuSO4 है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है और Cu सॉलिड है। ये रिप्रेजेंटेशन होगा इस सेल का, क्या इस सेल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एनोड है, सॉल्ट ब्रिज है, ऑब्वियस सी बात। अब यहाँ पे एक गलती कर दी ना मैंने, सॉल्ट ब्रिज नहीं दिया, कोई भी सेल विदाउट सॉल्ट ब्रिज कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो सॉल्ट ब्रिज दिया। अब ये पूरा सेल है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। अब क्या होगा एनोड पे, क्या होगा मेरा, अगेन ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एच टू किस में कन्वर्ट होगा, ट्वाइस ऑफ एच प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। और इसका E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या माना हमने, 0 वोल्ट माना पहले से। कैथोड रिडक्शन की बात करो, कैथोड रिडक्शन मेरा क्या होगा, कैथोड रिडक्शन में होगा Cu2+ जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर लेगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज करो एक्स वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज करो एक्स वोल्ट है, मुझे नहीं पता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन होगा H2+ Cu2+ इसमें कन्वर्ट होगा ट्वाइस ऑफ एच प्लस और Cu सॉलिड, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं इसके ऊपर, तो नस्ट इक्वेशन क्या होगा, E सेल बराबर क्या होगा, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n माइनस 0.059 n लॉग ऑफ ऊपर में क्या होगा एच प्लस का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा प्रेशर ऑफ एच टू और कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, यही होगा, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं ई सेल की वैल्यू निकालू इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, ठीक है, एच प्लस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने एच प्लस कितना दिया 1 मोलर दिया, प्रेशर ऑफ एच टू 1 है और जेड एन Cu+2 भी कितना है 1 है, और ये ओवरऑल 1 और लॉग 1 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि ई नॉट सेल बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, देखो यहां पे अगर मैं ई नॉट सेल की बात करूं तो 0+x मतलब x वोल्ट हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये जो भी ये x कहां से मिलेगा ई सेल, ये जो ई सेल होगा ये आपको वोल्ट मीटर से मिलेगा, ये रीडिंग कहां से मिलेगा आपको, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वही पोटेंशियल होगा, वही एक्स की वैल्यू होगी और वही आपका एग्जैक्ट एससीपी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी स्कोपर की, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब मेटल का एक रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और एक तरीके से क्या बनता है, सीरीज बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम यहीं से, तो आपको समझ में आ गया कि आखिर किसी भी हम मेटल का कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और उस तरीके से बहुत जितने भी नॉन मेटल है सबका हमने क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, सबका क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, और एक तरीके से हमने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल को हमने अरेंज किया और एक तरीके से क्या बनाया, हमने सीरीज बनाया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस वगैरह वगैरह के लिए, नीट और जेई मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर लिख देता हूं मैं, सीरीज ऑब्टेंड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order, elements are arranged in increasing order of their standard, of their standard reduction potential, of their standard reduction potential, of their standard reduction potential is known as ECS. सीरीज ऑब्टेंड, जब एलिमेंट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मतलब एसआरपी के बढ़ते क्रम में हमने जो मेटल को अरेंज किया
एक तरीके से मुझे सीरीज मिली, उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आपको सीरीज दिया वो एसओपी के अकॉर्डिंग दिया, किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दिया, बट हम जो करेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर करेंगे। आप बस मेरा वाला टर्मिनोलॉजी याद करिए, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? तो एक फॉर्मेट को आप जान कर रखिए, ठीक है। अब क्या होता है, दिस सीरीज गिव्स रिलेटिव वैल्यू ऑफ, दिस सीरीज गिव्स रिलेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी एंड दैट आर रिलेटिव टू एंड दैट आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन। ऑब्वियस बात है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका हाइड्रोजन था, तो सारी की सारी वैल्यू भी किसके अकॉर्डिंग होगी, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलो मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ और आप उनके ऐसा भी, मतलब अब हम सीरीज के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। आखिर कौन सा मेटल एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एसआरपी की वैल्यू से भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहला है Li प्लस एक्वस, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको देगा लिथियम सॉलिड, देगा लिथियम, क्या देगा, सॉलिड देगा, -3.05 वोल्ट है इसका मतलब, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ पहले, Zn प्लस 2 एक्वस है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होगा और इसका वैल्यू है -0.76 वोल्ट है, ठीक है। देखो सीरीज में बहुत सारे मैटर है, बहुत, बट हमें सब नहीं याद रखे, मैं सिर्फ उन्हीं बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। Fe प्लस टू है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन है और Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है ये, ठीक है। इसी कुछ वैल्यू दी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट है आपका ट्वाइस ऑफ एच प्लस एक्वस है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है ये, और इसका दिया हुआ है जीरो। इसी के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, ये सीरीज डेवलप की इसी के रेफरेंस से, ठीक है। उसके बाद क्या है, Cu प्लस टू है, दो एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में जा रहा है, किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में, और इसका दिया हुआ प्लस 0.34 वोल्ट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, Ag प्लस है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में जा रहा है, किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में, ठीक है। और इसका कितना दिया हुआ, प्लस 0.8 वोल्ट, प्लस 0.8 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। बहुत सारे हैं बट मुझे किससे मतलब है, फाइनली F2 से, ठीक है। किससे मतलब है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2F- में चला जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्लस 2.87 वोल्ट। क्यों, देखो क्योंकि एक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी इसका सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। अब समझो बात को, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे हम जब देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। क्यों, देखो Li का रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव है, बट इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव में। इसलिए आप, आपने देखा होगा कि जो हमने जो सेल लिया था वो ये वाला लिया था Zn, तो इसका मतलब मैंने आपको बोला था उसी दिन, अगर ई सेल आपको इनोड सेल या ई सेल आपको पॉजिटिव करना है तो हमेशा ऊपर वाला लेना है। सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा एनोड होता है, और सीरीज में जो मेटल जितना नीचे होगा मतलब वो आपके लिए उतना ही अच्छा कैथोड होता है, ठीक है। तो जिसका SRP नेगेटिव है उसका मतलब उसका SOP क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अब समझो करो, ऐसे समझो, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो अच्छा एनोड मटेरियल होगा, और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो कितना अच्छा होगा, कैथोड होने की, क्या मतलब वो कैथोडिक मटेरियल ज्यादा अच्छा होता है। इस वजह से मैंने आपको उसमें लिखा था कि हायर SOP वाला आपका एनोड होता है, हायर SRP वाला हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो ये सब हमने सीखा था। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात भी है जो भी मैं आपको सिखाऊंगा,
और एक बात और है, आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। वो याद करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा सिंपल सी बात ये है कि आपको ये वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या जाएगा, दिया जाएगा। जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं ना तो हमेशा ये वैल्यू दी जाती है, तो नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझिए आप इन चीजों में। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसकी किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो दूसरे, अगर खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस ज्यादा करेगा। इसका मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, इसका रिड्यूस होने के टेंडेंस, क्योंकि एसआरपी सबसे ज्यादा वैल्यू है तो इसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका एसआरपी हायर द एसआरपी वैल्यू, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, इट मींस गुड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हायर एसओपी वैल्यू, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस अदर्स, और इट मींस द एलिमेंट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब बातें बहुत याद रखिएगा, एक को याद रखिए, दूसरा उसका हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए एसआरपी वाले को याद रखिए। तो लोअर द एसआरपी गुड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, हायर द एसआरपी गुड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस की। ठीक है, एप्लीकेशन जो पहले पहले एप्लीकेशन का है, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सरपंच, जो मैंने आपको बता भी दिया, हायर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस एंड हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या उसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोअर इज द एसआरपी, lower is the SRP, that is higher will be SOP, that is higher will be SOP। ठीक है, हालांकि मैंने ऐसे लिखा, बट मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगा सिर्फ SRP के फॉर्मेट में चीजों को याद करिए तो ज्यादा अच्छा है। सो हायर विल बी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, हायर विल बी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, एंड हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस क्या होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कहने का मतलब यह है, एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, एलिमेंट प्लस एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाता है, रिड्यूस्ड एलिमेंट। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस लिखते हैं, चलो रिड्यूस सब्सटेंस। तो एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी, तो रिड्यूस्ड एलिमेंट क्या होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूस्ड एलिमेंट उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। और एसआरपी जितनी वैल्यू अच्छी होगी, एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो ये उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहने का मतलब ये है, याद रखना, लोअर द एसआरपी वैल्यू, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट विल बी ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हायर विल बी एसआरपी वैल्यू, एलएचएस वाला रिएक्टेंट आपका क्या होगा, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोअर द एसआरपी वैल्यू मतलब समझो, O और R में पहले कौन सा आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लेफ्ट वाला हमेशा कौन सा रिप्रेजेंट करता, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट करता, और राइट वाला हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट को। अब ऊपर देखो, लोअर द एसआरपी वैल्यू, तो यही तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है,
हायर द एसआरपी वैल्यू तो लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल और आर लेफ्ट और राइट में आर से मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और आर मतलब राइट वाला भी होता है, समझ में। तो आरएचएस वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट और एलएचएस वाला मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, लेकिन ये कब हायर द एसआरपी, हायर द एसआरपी एलएचएस विल बी प्रेफर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर विल बी द एसआरपी आरएचएस प्रोडक्ट विल बी द प्रेफर्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझ में आई बात सबको, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से भी समझा रहा हूं, MnO4 माइनस, ठीक है, और पर मैग्नेट ये आपने पढ़ा ही होगा, मैंने मोल कांसेप्ट 2 में ही बताया था, इन दोनों में से पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइब्रोमेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4 परमैंगनेट होता है, क्यों होता है बता देता हूं, व्हिच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। गिवन दिया हुआ E0 MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 ये दिया हुआ है प्लस 1.51 वोल्ट एंड E0 दिया हुआ Cr2O7 2 माइनस से Cr प्लस 3 ये जो दिया हुआ है प्लस 1.4 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। चलो अब इसमें से बोला है कि किस कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज़र, तो आप देखो ये Cr प्लस प्लस टू से ये सीआर कितना है प्लस फाइव से प्लस थ्री में जा रहा है, ठीक है, सॉरी सीआर टू ओ सेवन टू माइनस में से, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ये प्लस 1.4 हो रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो प्लस 1.5 वोल्ट हो रहा है, तो कौन सा, तो जिसका जितना, अगर ये क्या प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है ये मेरे हिसाब से कितना होगा प्लस 6 है ना ये शायद, हाँ प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है, ठीक है, प्लस 6 से प्लस 3 और प्लस 7 से प्लस 5, प्लस 7 से प्लस 5 प्लस 6 से प्लस 3, तो दोनों का दोनों क्या है एसआरपी की वैल्यू है, इसका मतलब जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे कम होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सॉरी जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका मतलब MnO4 माइनस आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आई बस समझ में, तो लिख देता हूं MnO4 माइनस MnO4 माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद रखना जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है तो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दो तीन बार पढ़ेगा तो अपने आप आ जाएगा, पहली बार में हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो बट एक दो बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन हालांकि मैंने आपको बता दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल for the construction of galvanic cell E not cell greater than 0, E not cell greater than 0 and anode should be higher and anode should be higher up in the series while cathode can be of any substance which is lower in the series with respect to anode, की बात करो, आई बात समझ में, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, जिंक ऊपर में है तो जितना ज्यादा अच्छा ऊपर उतना अच्छा वो क्या होगा एनोडिक मटेरियल होगा ऐसा सीरीज में, और जितना ज्यादा नीचे होगा वो बट इसके रिस्पेक्ट में नीचे होना चाहिए, बाकी आप किसी को भी दे सकते हो, आई बात समझ में। तो ये वाला आपका सेकंड एप्लीकेशन था जो मैंने आपको दोनों बता दिया, पहले एप्लीकेशन से हमें मुझे ये पता चलता है कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन सा होगा, जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं जिसका एसआरपी की वैल्यू सबसे जितना एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जितना अच्छा एसआरपी की वैल्यू कम होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, बार बार ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलो
नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इसमें तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज, एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज, अबव इन द सीरीज, देखो एलिमेंट जितने ऊपर रहेंगे इसका मतलब क्या होगा, उनका पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या रहता है, ज्यादा होता है, मतलब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ऐसा समझो किसी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये कि अगर वो एलिमेंट रिड्यूस्ड फॉर्म में जा रहा है मतलब Li से Li प्लस में जा रहा है, समझ रहे बात को, इसका मतलब Li प्लस ज्यादा स्टेबल है, Na से Na प्लस क्या ज्यादा स्टेबल, इसलिए उसका SRP की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव जा रहा है उसका मतलब जो उसका अनरिड्यूस्ड फॉर्म है वो मतलब जो Cu2 प्लस है Cu जा रहा है मतलब Cu का फॉर्मेट वाला ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, इसका मतलब जो चीज पॉजिटिव में जा रहा है जल्दी से जा रहा है उसका पोटेंशियल भी ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उस मेटल का मतलब एक तरीके का क्या वो मेटल हुआ, क्योंकि दैट्स व्हाई इट हैज अ मोर टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसका होता है मेटल का होता है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखिएगा थोड़ी बहुत, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट, कैन डिस्प्लेस एलिमेंट, कैन डिस्प्लेस एलिमेंट बिलो इन द सीरीज, बिलो इन द सीरीज, बिलो इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे, ऑब्वियस बात है जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होगा किसी एलिमेंट का उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन जो तुरंत दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो दे रहा हो तो ऑब्वियस बात है ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा पहली बात। दूसरी बात ये हुआ नहीं, पहली बात यही मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा जिस कारण रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, कहने का मतलब अगर मैं जिंक को CuSO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए, लेकिन अगर मैं Cu को अगर मैं कॉपर को सॉरी अगर मैं कॉपर को ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्योंकि जिंक काफी ऊपर में आता है तो ये ऑटोमेटिकली Zn+2 के फॉर्मेट में जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसका प्लस टू फॉर्मेट ज्यादा है, और आप ऐसा भी समझो जो जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहेगा और ये रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा, लेकिन क्या Zn+2 फॉर्मेट में ऑलरेडी क्या ये Zn में जाएगा नहीं जाएगा उसकी टेंडेंसी नेगेटिव होती है, ऑब्वियसली बात है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि Zn+2 से Zn जा रहा तो -0.76 वोल्ट याद करिए, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। पहला फॉर्मेट आपको समझ में है कि जितना ज्यादा ऊपर है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मेटल का उतना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा ही वो रिएक्टिव होता है, इसका मतलब वो जितना मेटल ऊपर रहेगा नीचे वाले को किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने सॉल्ट सॉल्यूशन उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, पहली बात से समझ में। दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हो अगर मैं इसका E0 सेल निकालने की कोशिश करूं तो Zn से Zn+2 जा रहा मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट और Cu+2 से Cu में जा रहा तो मतलब 0.34 वोल्ट मतलब ये ऑब्वियस है तो 1.1 वोल्ट होगा, लेकिन अगर मैं यहां E0 सेल की बात करूं ठीक है चलो तो ये किस में जा रहा है Cu से Cu+2 के फॉर्म में मतलब -0.34 वोल्ट हो जाएगा माइनस में क्योंकि अगर Cu2+ से Cu में जा रहा है तो 0.34 प्लस में तो Cu से Cu+2 में जाएगा तो ऑब्वियस बात है माइनस में हो जाएगा और वैसे Zn+2 में तो -0.76 मतलब कितना -1.1 वोल्ट जो कि ये फिजिबल है ही नहीं, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो मेथड दोनों तरीका आपके पास है, आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हो ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है, लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर रिडक्शन पोटेंशियल और ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और
ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगेन मैं ये बोलूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत लिखो, बट लिख किताब दिखना सुंदर दिखने से मैं लिख दिया, तो हम क्योंकि हम चीजें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं, इसलिए मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखा कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड हैंस ग्रेटर इट्स रिएक्टिविटी, हैंस ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी, ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी एज अ रिजल्ट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, ठीक है, एज अ रिजल्ट मेटल विथ लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल विथ लेसर रिडक्शन पोटेंशियल या ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल विथ लोअर, कैन डिस्प्लेस विथ मेटल विथ लोअर, क्योंकि इसी चीज को मैं इसके हालांकि तीसरा चौथा नंबर एक ही है, बट इसको मैं अच्छे से फॉर्मेट में आपको समझाऊं, इसी कारण मैंने इसको लिखा, ठीक है। कैन कैन मेटल विथ एज अ रिजल्ट कैन मेटल विद एज अ रिजल्ट मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। आप इसको तीसरा ही पॉइंट मानो ऑल के फॉर्मेट में, इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल के फॉर्मेट में इसको ऐसे समझो, ठीक है, तो याद रखना, आई बात समझ में, चलो ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग आपका क्या, ठीक है, फोर्थ नंबर आपको पता होगा, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मेटल का पॉजिटिव आयन बढ़ने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मेटल का क्या रहता है, घट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऊपर वाले जितने होते हैं मैक्सिमम क्या होता है, ऊपर जितना ज्यादा रहेगा, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि सीरीज में आप देखना एनसीईआरटी खोल के, कि सीरीज में ऊपर में जो पांच छह एलिमेंट होंगे, सात एलिमेंट होंगे, वो ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट होंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या होता है सबसे ज्यादा होती है, और वो उनका पॉजिटिव नेचर भी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट इज वाई लिथियम वगैरह क्या होता है, पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। बट जैसे मैं नीचे जाऊँ, जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, तो जैसे रिडक्शन पोटेंशियल जेडन वगैरह का देखना, उनका देखो लिथियम वगैरह का -3.4 या 2 पॉइंट में था, बट जेड 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 एन एफ वगैरह का 0.76 वगैरह, तो ऑब्वियस बात है उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो एटलीस्ट गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी के वाले तो करते ही नहीं है, समझ में। पर मैं लिख देता हूँ ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, मतलब यही, इसका मतलब ही यही, दूसरे फॉर्म बस दूसरे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि रिएक्टिव डाउन का ग्रुप रिएक्टिविटी घट रही, रिएक्टिविटी क्यों घट रही, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर घट रहा है मेटल का, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल मेटल डिक्रीजेस डिक्रीजेस हेंस हेंस रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, हेंस रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। इसलिए लिथियम वगैरह क्या होता है, ठंडे पानी के साथ, या लिथियम वगैरह बोलो जित ऊपर में मैक्सिमम देखना ना आप सीरीज के अंदर, या तो अल्कलाइन अर्थ या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, अल्कलाइन मेटल होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे फेर, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये भी एक्चुअली में इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बट इनके रिडक्शन पोटेंशियल इनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसके लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा तो इसके रिड्यूसर की टेंडेंसी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर थोड़ा कम होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कम होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी इसका मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बट हॉट वाटर के साथ, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और जैसे और नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन कराने पर कोई रिएक्शन इनका नहीं होता। इवन द स्टीम, सोचो इतना हाई टेम्परेचर होता है स्टीम का, तब भी ये रिएक्शन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो एक और बात याद रखना कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल होते हैं वो कभी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, कभी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर, इवन तो वाटर से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रिएक्ट, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा रहेगी, हाइड्रोजन उनके ऊपर है तो मतलब रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के उनसे ज्यादा है, मतलब वो एसिड के साथ भी एच प्लस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप याद रखिएगा। हालांकि लास्ट पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ, आप बोलो नहीं, ठीक है। मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, कुछ फिफ्थ पॉइंट है, मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन ईसीएस विल रिड्यूस हाइड्रोजन on reaction with dilute acid while metal present below H2 will not release, ठीक है, will not release, ठीक है। तो basically क्या होगा, अगर iron का H2SO4 के साथ कराता हूँ dilute के साथ, तो क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा और hydrogen क्या हो जाएगा, release हो जाएगा। लेकिन copper जो hydrogen जो कि क्या होता है, इसके नीचे present है, तो कोई भी reaction नहीं होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे आपको आई होप आपको क्या चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, एक मिनट, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपको क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या था आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ईसीसी जो आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या था, इनमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने अभी तक पढ़ा वो था क्या, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था, वो क्या था, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या था, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या था कि जो एक तरफ एनोड था, एक तरफ कैथोड था, एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रोड के बीच में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, मतलब ZnO और CuO आपने लिया था, तो ZnO और CuO का जो करंट फ्लो कर रहा था किसके वजह से फ्लो कर रहा था, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है। तो मैं लिख देता हूं, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड
ऑफ एनोड एंड कैथोड ऑफ एनोड एंड कैथोड ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड, नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड हाफ सेल विल बी ऑफ, हाफ सेल विल बी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता था, एनोड मैंने हमने क्या लिया था, जिंक का लिया था, कैथोड क्या लिया था, कॉपर का लिया था। ठीक है, इसका मतलब इसमें ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेवर ई नॉट सेल कभी पॉजिटिव, क्योंकि जब एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे आप अगेन लिख सकते हो Zn, ZnSO4, सॉल्ट ब्रिज यूज किया था CuSO4 फिर Cu था, ये मेरा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं अब लिखने जा रहा हूं, ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये अच्छे लेवल का ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो गैल्वेनिक सेल है वो है कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। अब ये गैल्वेनिक कंसंट्रेशन के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हम एनोड भी एक ही रहता है और कैथोड भी उसी मटेरियल का रहता है, मतलब जिंक ZnZnSO4 मेरा आपका एनोड हाफ सेल है तो कैथोड भी ZnZnSO4 ही होगा, बट वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन पोटेंट डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था, मतलब जो करंट फ्लो होता था वो बिकॉज ऑफ फ्लो होता था बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, या तो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा या तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इसका मतलब मटेरियल दोनों एक ही रहेगा, इसका मतलब इसमें ई नॉट सेल हमेशा जीरो रहेगा, क्यों, अरे जिंक ही आप एनोड भी ले रहे हो, जिंक ही आप कैथोड भी ले रहे हो, ई नॉट सेल ऑलवेज क्या रहेगा, उसका जीरो रहेगा, इस केस में ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे करंट जो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इसका नाम लिखा जाता है कंसंट्रेशन, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है या गैल्वेनिक सेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हम लिख देता हूं सेल व्हिच इन व्हिच फ्लो ऑफ एलिमेंट, सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट 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 अकर्स due to which, due to difference in concentration, due to difference in concentration, due to difference in concentration of both half cell electrode ऑप्लिक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल। ठीक है, अब ये हाफ सेल में ये हो किसके वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोड की वजह से हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, इन दिस सेल बोथ हाफ सेल्स आर In this cell, both half cell are of same type, are of same type as well as of same सब्सटेंस भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, सब्सटेंस आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, यहीं पे कहानी का ट्विस्ट है बेटा। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको एग्जांपल में भी समझा दूंगा कि करंट फ्लो कैसे करता है यहाँ पे।
इसका मतलब ये जब सेम टाइप के होगा तो ई नॉट सेल जो होगा ना बेटा, ई नॉट सेल ये हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो ये था मेरा कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, दे आर आर टू टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। दो टाइप का कंसंट्रेशन सेल होता है, कौन कौन से टाइप का होता है ये भी हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बोला, या तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट करेगा या इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट करेगा। बट कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये होता है कि एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का होगा। क्या होगा? सेम मटेरियल का होगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहले इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंट कंसंट्रेशन पे देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। इलेक्ट्रोड का बेसिकली कंसंट्रेशन होता है, बेसिकली प्रेशर होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड का प्रेशर डिफरेंट होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट का फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तो जैसे मैं क्या बोलता था, इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे जिंक, जिंक सॉलिड है, ZnSO4 एक्वस है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर है, ऑब्लिक ZnSO4 C2 मोलर है, ठीक है, और जिंक सॉलिड। इस तरीके से मेरा है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, जब इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंट होगा। ये दोनों सेम होंगे, इनसे फिर हमें कोई मतलब नहीं। बट अभी फिलहाल मेरा मेन फोकस किस पे, इनके ऊपर, आखिर इनके द्वारा करंट फ्लो कैसे करता, तो वो भी मैं देखते हैं। तो कभी कुछ ना समझ में आए तो हमेशा मैंने आपको बोला पहले 100% क्या लिखो, रिएक्शन लिखो। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा भैया, जिंक सॉलिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 एक्वस में, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। लेट्स से अगर इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने एक्स वोल्ट माना, ठीक है। कैथोड पे आपको क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका मतलब Zn+2 एक्वस जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा आपको, जिंक सॉलिड देगा। क्या देगा, जिंक सॉलिड। इसका अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस एक्स वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन में टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn सॉलिड कैंसिल, क्योंकि ये सेम मटेरियल है, इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियस बात है सेम मटेरियल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सेल रिएक्शन में क्या होता है, याद रखना क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में ये होता है कि Zn+2 एक्वस ऑफ कैथोड किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 एक्वस ऑफ एनोड। मतलब कैथोड का कंसंट्रेशन सेल और एनोड के कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसका कंसंट्रेशन उसके कंसंट्रेशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कब तक करंट फ्लो करते रहे, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तभी तक तो करंट फ्लो करेगा। कहने का मतलब है, अगर मैं इसमें नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये होगा ई सेल, ई नॉट सेल का आपका 0 -0.059/2 log ऑफ किसका, Zn+2 एनोड का डिवाइडेड बाय Zn+2 कैथोड का। इसका मतलब ई सेल जो होगा आपका, ई सेल को मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल को मैं लिख सकता हूं ना -0.03 log ऑफ क्या, C1/C2 ये होगा। तो इन जनरल जो मेरा होगा फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल बराबर इलेक्ट्रोलाइट का, अगर इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोड मतलब ई सेल निकालो आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का, तो इसका फॉर्मूला था -0.059/n log ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर सेल को स्पॉन्टेनियस करना, मतलब ई सेल मेरा अगर ग्रेटर देन जीरो हो, अगर ई सेल मुझे ग्रेटर देन जीरो हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, C1 ग्रेटर देन C2, बी C1 लेस देन C2, सी C1 इक्वल टू C2, या डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अभी से बात है, मेरा C2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होगा तब ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ
ई सेल ग्रेटर देन 0 होने के लिए C1 बाय C2 के वैल्यू लेस देन 0 होने चाहिए, इसका मतलब C2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मेरा C1 से। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कैथोड का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए एनोड के कंसंट्रेशन से, तभी ई सेल क्या हो सकता है स्पॉन्टेनियस या फिजिबल हो सकता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल था। अब इसी कंसंट्रेशन सेल को देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, देखो इसी को मैं अगर क्या मैं कंसंट्रेशन सेल ले रहा हूं बट मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में लिया, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, सपोज करो प्लेटिनम हाइड्रोजन ऑब्लिक एच प्लस एक्वस लेट्स से C1 मोलर, एच प्लस एक्वस लेट्स से C2 मोलर ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ ना दिया तो प्रेशर 1 atm, तो अभी से बात है SHE ही मैंने कैसा लिया, एनोड के फॉर्मेट में लिया, और SHE मैंने किसके फॉर्मेट में लिया, कैथोड के फॉर्मेट में। तो क्या ये कंसंट्रेशन सेल है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, कंसंट्रेशन डिफरेंट, भले मटेरियल सेम रख दो, बढ़िया में करंट किसके से फ्लो करेगा बिकॉज़ ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो मैं यहां बोल सकता हूं इसका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता था, 0.059 pH ऑफ एनोड होता था, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना कितना होता था, रिडक्शन पोटेंशियल होता था -0.059 pH ऑफ कैथोड होता था। तो ऑब्वियस बात है इस सेल के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, देखो अगेन, ठीक है। तो अगेन ये अपने आप में क्या बन चुका है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी एक तरीके के क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। अब ये H+ का सोर्स कुछ भी कर सकता है, H+ का सोर्स मैंने क्या बोला, यहां हो सकता है वो एसिड दे दे, यहां बेस दे दे, यहां बफर दे दे, यहां सॉल्ट दे दे, H+ का कुछ भी, मतलब फार्मूला आपको सिंपल लगाना है, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ओके समझ में आया बेटा आपको सबको अच्छे से। ठीक है, हां तो अगेन मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अब देखो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, या फिर मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, बाकी डिटेल में कल करेंगे। कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द फॉलोइंग, ई सेल निकालना है, ठीक है, प्लैटिनम हाइड्रोजन, ठीक है, NaOH, इसका 0.1 मोलर दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, 0.05 मोलर दिया हुआ है, ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको इसका ई सेल निकालना है, क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट सेल है, बिल्कुल है, कंसंट्रेशन तो कुछ नहीं, पहले इसका पीएच ऑफ पीएच इसका कितना हो जाएगा, इसका पी पहले तो आप पीओएच निकालोगे, ठीक है, पीओएच इसका क्योंकि स्ट्रांग बेस है तो ओएच माइनस का, देखो यहाँ पे ओएच माइनस का कंसंट्रेशन की फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट सेल है, क्योंकि मैंने क्या बोला वो जरूरी नहीं यहाँ पे एच प्लस दे, वो भी दे सकता है ना, मुझे भाई बेस दे दिया तो बेस का क्या पीएच नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए वो कुछ भी दे सकता है, हो सकता है बफर दे दे यहाँ पे तब तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है यहाँ पे वो केस भी दे दे तब और भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो करने में कुछ भी कर सकता है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फॉर्मूला पीएच निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.059 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ओएच माइनस का कंसंट्रेशन कितना, 0.1, तो पीएच कितना हो जाएगा आपका 1, इसका मतलब ये होगा कि पीएच आपका हो जाएगा 13, यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीएच हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.01, तो पीएच 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस सेल का फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, मतलब 0.059 × 12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन अगेन हम निकालते हैं, अगर एक और क्वेश्चन देखें मैं फॉर्मेट में, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन का, तो उसके बाद आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में सपोज करो पीपी हाइड्रोजन, ठीक है, CH3COOH प्लस CH3COONa, ठीक है, ऑब्लिक CH3COONa 0.1 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, और के दिया हुआ है CH3COOH का 10^-, ऑब्वियस होता है के को ऑफ वीक बेस के लिए वीक एसिड के लिए डिफाइन करते हो CH3COOH प्लैटिनम हाइड्रोजन। चलो ये क्वेश्चन है, इतना भी बता देता हूं, ये केस कौन सा और ये केस कौन सा। अगर सिर्फ हाइड्रोजन सॉल्ट दिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एसिड और उसका सॉल्ट दिया तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर। दोनों का आपको पीएच निकालना मैंने सिखाई, पीएच निकालिए, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड करिए, और वहां से आप निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपका कांसेप्ट था, प्लीज प्लीज, इसलिए मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग होने से पहले आप एटलीस्ट रेडॉक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों चैप्टर को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इसके ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बाकी चीजें आपका कल से ऑलमोस्ट एक पार्ट आपको खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।